पता कि गांव गांव अक्सर जो बैंकिंग है सबसे ज्यादा परेशानी है बिहार या में या कहीं भी जो बैंकों के लिए परेशानी है वो हर जगह शाखा नहीं खोल पा रहे हैं। उस कारण से जो आपका जो हमारे भाई बंधु हैं जो विलेज जो गांव में रहते हैं वो उनको अगर बैंकिंग करनी होती है अगर उन्हें कोई पैसा जमा करना है या फिर अगर उनकी सेविंग करनी है तो उन्हें बैंक की ब्रांच जाना पड़ता है जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर है। उनके लिए 10 से 12 किलोमीटर में एक दिन की दिहाड़ी हो जाती है। इस कारण से वो बैंकिंग करते नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये है कि जिस गांव में वो रहते हैं वहीं पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एज पर RBI जो RBI ने बोला है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल, उसके अंतर्गत उसी गाँव में उसी गाँव का कोई पढ़ा लिखा आदमी वहाँ पे एजेंट बन जाता है, ठीक है, तो वही इनके पैसे जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। और जो पूरी इसकी कैश मैनेजमेंट है वो हम फ्लो उसका पूरा ट्रैक करते हैं। तो जो कस्टमर है जिससे जैसे आपने पूछा कि उसको क्या फायदा है, वो पूरा दिन अपना खेत में काम करे, शाम को कभी भी जाए, सुबह किसी भी टाइम वो खाली हो जाके पैसा जमा करा सकता है और निकाल सकता है। जब वो पैसा निकालता डालता है बैंक में तो उसका एक बैंकिंग टर्म्स में से कहते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, उससे वो बनती है कि भाई हाँ इस आदमी के पास कुछ पैसा है, कभी डालता है कभी निकालता है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद 5-6 महीने के बाद बैंक उसको ऋण भी दे सकता है जिससे कि वो अपना चाहे वो खेती में लगाए चाहे वो गाय खरीदे। वो तो बैंक की बात, लेकिन फिनो क्या कर रही है, फिनो का क्या काम है? फिनो इसमें पूरी टेक्नोलॉजी दे रही है, टेक्नोलॉजी और वो आदमी। तो हम ये काम है बैंक नहीं करता, बैंक ये पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर देता है और बैंक ने पूरा काम फिनो को आउटसोर्स किया हुआ है, जिसमें कि ये जो टेक्नोलॉजी है स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी, बॉट मशीन, ये जो आपके एजेंट हैं, तो फिनो एजेंट भी अपॉइंट करता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, अकाउंट खोलने के लिए सब कुछ, फिनो अकाउंट खोलने से लेके ट्रांजैक्शन तक सारा काम फिनो करता है।